इस वक्त दिल्ली के संगम विहार में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं लोगों को, सुनते हैं। अब परिवर्तन देखिए, पहले आजादी के नारे हमारे कश्मीर में लगते थे, अब आजादी के नारे पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में लगते हैं। भाइयों बहनों, पहले पथराव यहां होता था, आज वहां स्ट्राइक हो रही है। भाइयों बहनों, पहले यहां टूरिस्टों को आने नहीं देते थे, वहां आटे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, आटा खाने के भी लाले पड़े हुए। ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम अगर वापिस आएंगे तो 370 को वापिस लाएंगे। आप चाहते हो 370 वापिस आए? जरा जोर से बोलो, चाहते हो? भाइयों बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, ये राहुल बाबा कहते हैं हम आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। मोदी जी हिंदू बौद्ध सिख जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए लेकर आए, ये राहुल बाबा कहते हैं हम सीए को निरस्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा दो लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता, उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। भाइयों बहनों, आप मुझे एक बात बताओ, यहां के गांवों को मोदी जी की सरकार आने के पहले सम्मान मिलता था क्या? जरा जोर से बोलो, गांवों में सम्मान मिलता था क्या? गांवों की सुविधा को हमारे रमेश विधुड़ी ने झगड़ा कर 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 गांवों में सुविधा पहुंचाने का काम किया, और अब रामवीर विधुड़ी इसको आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली में केजरीवाल जी चुनाव के लिए जेल से बाहर आए हैं अभी अभी। मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। वो नौकरी छोड़कर एनजीओ बनाए और शपथ लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे,